हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। फ्रेंड, आप बहुत सारे एटीएम कार्ड यूज करते होंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन सबका पिन अलग अलग, सबको याद रखना बहुत मुश्किल, ये सब बहुत सारा झमेला था। बट आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत आसान है, और एक ही चीज है वो आपको मिलेगा दुकानदार के पास और आपके पास, बस जाकर आप पेमेंट कर दीजिए। उस चीज का नाम है भारत क्यूआर कोड, जिसको लॉन्च किया है 20 फरवरी 2017 को रिजर्व बैंक ने। तो आइए फ्रेंड, भारत क्यूआर कोड के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं, और इसको कैसे यूज करना है ये भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए लास्ट तक। अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ठीक से नहीं समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं। पहली बात ये आती है फ्रेंड्स कि ये जो क्यूआर कोड है ये क्या है। क्यूआर कोड का मतलब क्विक रिस्पांस कोड। ये होता है पेमेंट, मतलब जैसे कि आपका फ्री चार्ज हुआ या फिर पेटीएम जैसे ऐप में ये आपको देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है, आप किसी को पेमेंट कर पाते हैं आसानी के साथ, सिर्फ स्कैन करके, आपको और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये है क्यूआर कोड। अब भारत क्यूआर कोड है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। ये रिजर्व बैंक ने निकाला है, लॉन्च किया है, जो कि सभी बैंक के पास होगा, मतलब सरकारी और बेसरकारी सभी के पास, जिससे आपका क्या भला होगा, जिससे वो बैंक जो है सभी दुकानदारों को इसका जो है ऑथेंटिकेशन दे देंगे, सभी दुकानदार इससे लिंक्ड हो जाएंगे, तब आप जो अपना मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो बैंक का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है, बस उसका क्यूआर कोड खोलकर आप उस दुकानदार के पास गए और उसका जो क्यूआर कोड है, मतलब भारत क्यूआर कोड, उसको स्कैन किए और आपका पेमेंट आसानी के साथ हो गया। तो कुछ इस तरीके का होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक दुकानदार के लिए कैसे लेना है और एक जो कस्टमर है उसको कैसे लेना है। ये पहली बात अगर हम करें दुकानदार की, मान लीजिए ये दुकानदार है और मैं हूं कस्टमर, इनको जो दुकानदार है उनको पहले जाना पड़ेगा बैंक के पास। बैंक के पास जाकर उनको बोलना पड़ेगा मुझे भारत क्यूआर कोड चाहिए। तो वो क्या करेंगे, उनको भारत क्यूआर कोड प्रोवाइड कराएंगे, उनको कुछ डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद उनको वो कोड मिल जाएगा, वो जो क्यूआर कोड मतलब ये वाला उनको प्रोवाइड हो जाएगा। बस वो अपने दुकान में ये लगा कर रखेंगे। रखने के बाद मैं गया, मैं जाने के बाद क्या करूंगा, अपना फोन लूंगा, मेरा जो बैंक है मतलब कि SBI या फिर ICICI या फिर कोई सा भी, तो उसका मैं एप्लीकेशन खोल के उसका क्यूआर कोड खोलूंगा। खोलने के बाद वो जो कोड है दुकानदार का क्यूआर, उसको स्कैन करूंगा। स्कैन करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा फ्रेंड्स। बस अमाउंट एंटर करना पड़ेगा और पिन, और कुछ भी नहीं। बस शर्त यह है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट का एप्लीकेशन है उसमें भारत क्यूआर कोड का ऑप्शन ही चुने, उससे ही पेमेंट करें और अदर से नहीं। तो आशा करता हूं आप जान गए होंगे एक दुकानदार के हिसाब से भी या फिर एक कस्टमर के हिसाब से भी। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल वीडियो यहां खत्म नहीं हुआ है, और भी वाइटल जानकारी आपको देना है। तो फ्रेंड, वो वाइटल जानकारी ये है, मैं आपको बता दे रहा हूं अभी कि ये जो मतलब भारत क्यूआर कोड बना है, ये बना है सिर्फ 60 दिनों में, वो भी बनाया है NPCI, मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे तैयार किया है 60 दिन में सिर्फ। और भी चीजें, वाइटल चीज ये है कि पेमेंट के लिए आपका कौन कौन सा कार्ड इसमें एक्सेप्टेबल है, मतलब कि एक पहला है रुपे कार्ड, दूसरा है वीजा, तीसरा है अमेरिकन एक्सप्रेस, चौथा है मास्टर कार्ड। ये 4 कार्ड एक्सेप्टेबल है, इससे आप कर सकते हैं भारत क्यूआर कोड से पेमेंट। अब और चीजें मैं आपको बताता हूं कि अभी तक कौन कौन से बैंक इससे जुड़े हैं। अभी तक सरकारी और बेसरकारी मिलाकर 15 बैंक इससे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूं कि मतलब POS मशीन जो होता था, जिससे स्वाइप करने पे पेमेंट होता था, और भारत क्यूआर कोड, इसमें क्या डिफरेंस है, सब ये जानना चाहते होंगे, या दुकानदार हो या फिर कस्टमर। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो POS था वो मशीन खरीदने में पैसा लगता था, और अगर आप उससे मतलब जो दुकानदार रख रहे हैं उसे उस मशीन को, उनको 1 से 3% तक मतलब उसके लिए पैसा देना पड़ता था बैंक को। अब मैं आपको बता दूं कि भारत क्यूआर कोड से क्या होगा।
भारत क्यूआर कोड से होगा ये कि उसको लेने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा दुकानदार को, वो आराम से ले रख सकते हैं, और जो कस्टमर पेमेंट करेगा उसका भी कोई 1 से 3% वगैरह देना नहीं पड़ेगा। तो आसानी के साथ उनका ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा उनके बैंक अकाउंट में, और कस्टमर का भी अच्छा है कि बस स्कैन करो पेमेंट करो और कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड यही सब वाइटल जानकारी था जो मैं आपको दिया। आशा करता हूँ आपको सभी कुछ जानकारी भारत क्यूआर कोड के बारे में मिल गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन कोई भी परेशानी रह गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें इसे, ताकि उनको भी भारत क्यूआर कोड के बारे में अच्छे से पता चले। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।